स्वागत है आप सभी का पार्ट टू में, जहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बैनियन ट्रीज को, बरगद के पेड़ों को। और एक मेजेस्टिक बैनियन ट्री के मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और एक ये बैनियन ट्री एक पेड़ से बढ़कर है, क्योंकि ये एक लिविंग टेंपल है। इंडिया में आपको ऐसे बहुत केसेस देखने मिलेंगे, स्टोरीज देखने मिलेंगी, जहाँ पर फेथ और नेचर जो है इंटरट्वाइन हो जाता है। तो आप ज्वाइन करिए मेरे साथ, मैं आपको और एक ऐसे एन्चांटिंग वर्ल्ड में लेके जाऊंगा, जहाँ पर एंशंट बैनियन ट्री को एक इट इज़ नॉट जस्ट अ स्पेक्टिकल ऑफ नेचर, बट इट इज़ ऑल्सो अ सेक्रेट टेम्पल स्टैंडिंग विटनेस टू सेंचुरीज ऑफ प्रेयर्स एंड डिवोशन। तो जैसे ही मैं एक क्वाइट कॉर्नर पे वेंचर कर रहा था, ये सामने आ गया एक बहुत ही वास्ट मेजेस्टिक बैनियन बरगद का पेड़, और उसके नीचे एक बहुत ही प्यारा मंदिर है। और अमिस्ट इट्स एक्सपांसिव रूट्स एंड अंडर इट्स ग्रैंड कैनोपी अ स्मॉल टेम्पल हैज़ फाउंड इट्स होम। तो ये जो ट्रेडिशन है वेनरेबल बैनियन ट्रीज और पीपल के पेड़ को सेक्रेट स्पेस बनाना, ये एक यूनिकली इंडियन चीज़ है। हिंदूज जो है वो रिवियर करते हैं हम सब बैनियन और पीपल ट्री को, और बिलीव करते हैं कि बहुत सारे भगवान जो है इसमें वास करते हैं। इसीलिए एक टेम्पल को बैनियन के नीचे रखना एक सिंबॉलिक जेस्चर है, और ये हमको दर्शाता है एक हारमोनियस डांस बिटवीन फेथ एंड कॉन्जर्वेशन। एक पैक्ट बना हुआ है, जहाँ पर हम ये जो पेड़ है ये हमारे डिवोशन को स्वीकार करता है, और इन रिटर्न हम इसके गार्डियन बनकर इसकी रक्षा करते हैं। ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो हमको हमारे सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, जहाँ पर नेचर के जो लेसन्स है उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़कर कोएग्जिस्टेंस की सीख हमें दी जाती है। ये हमारी ड्यूटी है कि ऐसे सेक्रेट ग्रोव्स की हम रक्षा करें, क्योंकि ये शेल्टर करते हैं ना सिर्फ हमारे प्लेयर्स को, बल्कि मिरर ऑफ लाइफ फॉर्म्स।